जब इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट अलग होने के कारण इसको देखने की इच्छा थी। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा ओल्ड मूवी के बारे में। पर अगर आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा हुआ है तो आपको इस मूवी की कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है। खैर, इस मूवी के अंदर जो एक बीच दिखाया गया है यानी समुद्र का किनारा, जहां पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं छुट्टियां मनाने, और वहां पर दिक्कत होती है कि टाइम अलग तरीके से चल रहा है। उस बीच पर, उस किनारे पर, समुद्र किनारे पर टाइम अलग ढंग से चल रहा है। वहां एक दिन के अंदर 50 साल बीत जाते हैं, मतलब बाहर के 50 साल नहीं, अपने शरीर के 50 साल भी जाते हैं। सेल जो है, शरीर के अंदर के जो सेल है वो इतने जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं, यानी उम्र जल्दी जल्दी बीतने लग जाती है। यानी समझो एक दिन के अंदर इंसान बूढ़ा हो जाएगा और मर भी जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पहले नहीं देखा था। एक्साइटमेंट थी कि यार इसमें कैसे चीजों को दिखाया जाएगा, एज बढ़ रही है, ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, यहां पर कैसे चीजों को ये संभालेंगे, इनके सेल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। मतलब इवन अगर कहीं कहीं जगह तो ऐसी फीलिंग थी कि किसी ने एक को चाकू मार दिया तो यहां पर कट हुआ, तो एक होता ना कि टाइम बीतने के बाद वो निशान चला जाता है, मतलब कि वो घाव बढ़ जाता है, निशान रह जाता है, वहां तुरंत का तुरंत ऐसा हो रहा था। यानी जल्दी जल्दी सेल ग्रो कर रहे थे, मतलब वोल्वरिन की मूवी याद आ रही थी मुझे। और सेल जितने जल्दी ग्रो होंगे उतना ही इंसान बूढ़ा होता चलेगा, उसके उसको सुनाई कम देना, उसको दिखाई कम देना, जो एक बुढ़ापे की निशानी होती है, और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाना। तो ये सारी चीजें देखने में मजा तो बहुत आया स्टार्टिंग में, लेकिन इसमें कुछ इसके अलावा, यानी जो एज फैक्टर इसके अंदर दिखाया गया है, इसके अलावा इस मूवी में हमें कुछ अलग से देखने को नहीं मिलता। मुझे लगा था कि जो कॉन्सेप्ट है वो नया है, इसको अच्छे ढंग से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा और देखने में मजा आएगा। स्टार्टिंग में काफी अच्छा लगता है, नई नई चीजें हमारे सामने हो रही होती हैं, सेल जल्दी जल्दी बढ़ रहे होते हैं, तो हम भी ये देखने में उत्साहित होते हैं कि यार ये चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, इनका रिएक्शन कैसे होगा। लेकिन इसके बाद जो है मूवी के अंदर इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि मूवी इसी के सहारे चल रही है ना, इसके अंदर कोई हॉरर है। हाँ, थोड़ा बहुत हॉरर है, वो इसके बारे में भी बात करूंगा। सस्पेंस कुछ नहीं है, थ्रिल इसके अंदर कुछ नहीं है, तो यहां पर मूवी डाउन होने स्टार्ट हो जाती है। हम इंतजार करते हैं कि कुछ नया होगा, इसमें नई मुसीबत अब आएगी। खैर, मुसीबत तो वो आ ही रही होती है, वो जल्दी जल्दी बूढ़े हो रहे होते हैं, उनकी डेथ उनके सामने हो रही होती है, लेकिन इस मूवी के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहां पर मूवी के अंदर इमोशनली भी हमें कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, मतलब कुछ करेक्टर हैं उनके बारे में हमें बताया जाता है, फैमिली के थ्रू यहां पर बताया गया है। तो अब उनसे, उनके बारे में बताकर जब वो मरते हैं, या फिर मैं स्पॉइलर तो दे रहा हूं क्या, छोड़ो, जब वो मरते हैं तो वहां पर उनको लेकर इमोशनल हमें होना होता है, तो ये इस चीज में कोशिश की गई है इस मूवी के अंदर। तो लेकिन वो इमोशनल तो नहीं हो पाते, मेरा, मैं अपना बता रहा हूं, मैं तो इतना इमोशनल नहीं हुआ था, इतना कि मैं बिल्कुल नहीं हुआ था। खैर, मुझे वहां पर एक हॉरर जरूर फील हुआ था, यार देखो यार ये अभी बैठे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जल्दी से ग्रो हो गए यहाँ पर और अब ये मर रहे हैं, इन्होंने जिंदगी नहीं जी, तो एक वो थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि यार कितना जल्दी ये मर गए, तो थोड़ा बहुत हॉरिफिक लगता है वहां पर। मूवी के अंदर कमियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। अच्छाइयों में देखो यार, एक जो होता है ना कि खंजर अगर हाथ पे लगे, अरे उसमें जंग लगा हो तो उसके अंदर जहर होता है, तो इसका शरीर पर कितना असर पड़ता है अगर दवाई ना मिले टाइम पर, तो यहां पर वो चीज देखने को मिलती है, जहर होता है वो जितना कितना जल्दी बढ़ जाता है शरीर के अंदर, इंसान की डेथ हो जाती है। और एक जो मुझे काफी ज्यादा डरावना सीन इस मूवी के अंदर लगा, एक सुंदर सी एक महिला जो अपने सुंदरता के ऊपर बहुत गुमान करती है, लेकिन उसके अंदर एक बीमारी होती है, जब जैसे जैसे एज बढ़ रही है इस आइलैंड के इस बीच के ऊपर, तो उसके शरीर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जैसे उसकी डेथ होती है वो काफी ज्यादा भयानक होती है। और एट द सेम टाइम जो मूवी की एंडिंग है वो भी इतनी दमदार मुझे नहीं लगी। खैर, इसका मतलब यह नहीं है कि मूवी हम देखें ही ना, मूवी अच्छी है, काफी अच्छी लगी मुझे। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँ 6 out of 10। और अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो एक अलग सा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो। मतलब 6 स्टार अच्छे हैं यार, 1 टाइम से ज्यादा तो आप इसको कंसिडर कर ही सकते हो। हाँ, हिंदी डब में है, मैंने इसको हिंदी वर्जन में देखा और मुझे काफी अच्छी लगी ये मूवी। और इसके अंदर एडल्ट सीन है तो बच्चों के साथ कृपया करके ना जाएं, आप अकेले ही जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।